राजा मैं पहली बार हिमाचल दिवस मनाया गया क्या? देखिए 75 वर्ष बाद 76वां हिमाचल दिवस स्पीति वैली के काजा हेडक्वार्टर पर मनाया गया। चाइना बॉर्डर से जुड़ा होने के कारण काजा और स्पीति वैली हमेशा से राष्ट्रीयता का प्रतीक रही है। तो इस दृष्टिकोण से जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो मैंने सोचा था कि जो हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट में जाकर हमें अपने जो चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो चाहे वो हिमाचल दिवस हो उसको मनाना चाहिए। और इस दृष्टिकोण से आज हम हिमाचल दिवस को यहाँ मनाने के लिए यहाँ आए हैं। मैं काजा और स्पीति वैली के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल वासियों को हिमाचल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3% डीए हमने अपने सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी और जो अधिकारी सबको 3% डीए आज दिया है। और उम्मीद और आशा होती है सरकारी कर्मचारियों को कि हमें मिलेगा। हालांकि हम आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन कोई बेनिफिट्स हम रोकें। हम धीरे धीरे सभी बेनिफिट्स को जो उनके है और जो एरियर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे हम आगे अच्छे फैसले लेते जाएंगे और हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन होते जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज काजा के लिए हमने दी है 9000 महिलाओं को तकरीबन जो 18 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुकी होगी। हमने कहा है कि दूसरे चरण में स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं तकरीबन 9000 के करीब है उनको जून से 1500 रुपया हर महीने महिला को मिलना शुरू हो जाएगा और 18000 रुपया साल का मिलना शुरू होगा। ये पहला चरण तो हमने बजट में कर दिया। दूसरा चरण की घोषणा मैंने आज स्पीति वैली के इन महिलाओं के लिए की है और उनको हमारी जो गारंटी है उसका दूसरा चरण भी अब जून से लागू हो जाएगा। स्पीति वैली के लिए आपने कॉलेज खोलने की बात कही है और यहाँ पर अभी तक कोई कॉलेज नहीं है, मात्र एक आईटीआई जो है, और ऐसे में विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी इसके बारे में एक विस्तृत योजना मेरे जहन में भी और दिमाग में भी है। अभी तो कॉलेज का है, कैसा होगा, क्या स्वरूप होगा और हमें कैसे अपने स्पीति को आगे उठाना है, इस दृष्टि से मेरी यहाँ के स्थानीय विधायक रवि ठाकुर जी से भी चर्चा हुई है और उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो सुंदरता आज आपने भी देखी, आप भी पहली बार स्पीति आए होंगे, तो ये किसी भी दुनिया के पर्यटक क्षेत्रों में से सबसे बेस्ट पर्यटक क्षेत्र अगर कहीं होगा तो वो स्पीति वैली और हिमाचल प्रदेश है। आज मई जून तक जहां बर्फ रहती है उस दृष्टि से इसको पर्यटन की दृष्टि से भी इसको हमें आगे बढ़ाना है। और दूसरी बात है कि रक्षा के क्षेत्र में यहां जो एयरपोर्ट बनना चाहिए उस दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व है। चाइना की बाउंड्री यहाँ से एरियल अभी मेरे को फुंगचुंग राय जी बता रहे थे कि 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है और वैसे गाड़ी से तौबो से तो वैसे 17-18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कार्यक्रम करके हम अपने साथी पड़ोसियों को बोलते कि हमारे जो भाग है उस भाग में हमारे जो लोग हैं वो अपने जीवन यापन को किस तरह जीते हैं और किस प्रकार हिमाचल की संस्कृति और देश की संस्कृति को अपनाए हुए हैं।